तो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हो चुका है 1 फरवरी 2019 और आज शुक्रवार के आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए हाजिर हैं। पहली खबर से लेकर आखिरी खबर तक सभी खबरें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इन न्यूज के बारे में पता चल सके। तो चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए करें अप्लाई, 20,000 रुपए मिलेगा वेतन। और ये न्यूज आ रही है चेन्नई के अरियालूर से। अरियालूर जिला चेन्नई द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर के खाली पदों को भरने के लिए योग्य एवं युवा प्रत्याशियों से आवेदन की मांग की जा रही है। पात्र और योग्य उम्मीदवार इस नौकरी के लिए 12 फरवरी 2019 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इस नौकरी के लिए आप जल्द से जल्द आवेदन कर दें। यहां पर आंगनबाड़ी वर्करों को कुल 77 पदों पर भर्ती होना और अंतिम तारीख है 12 फरवरी 2019। प्रत्याशी की ज्यादा से ज्यादा रोजगार में उम्र विभाग के अनुसार ही मान्य होगी एवं प्रत्याशियों की रोजगार में उम्र में विशेष वर्ग को विभाग के अनुसार छूट दी जाएगी। प्रत्याशी ने किसी मान्यता प्राप्त जगह से संबंधित विषय में स्नातक पास कर ली हो। जिन प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा उन्हें विभाग के अनुसार 2,500 से 5,000 हर महीने सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर होगा। योग्य एवं इच्छुक प्रत्याशी आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता तथा अपनी शिक्षा एवं शैक्षिक योग्यता संबंधित जानकारी, जन्म की तारीख, अपनी प्रतिशतता एवं अन्य जानकारी मूल जरूरी दस्तावेजों में देकर सही भरे। प्रत्याशी से आवेदन करते समय गलती न करने का अनुरोध है। तो दोस्तों अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है चेन्नई के अरियालूर से। यहाँ पर आंगनबाड़ी के 77 पदों पर भर्ती होना है और दोस्तों अगर आप इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 फरवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल, रैली निकाली, वेतन बढ़ाने की मांग। आशा कार्यकर्ता गुरुवार को हड़ताल पर रही। वेतन मान बढ़ाने, नियमित करने सहित 6 सूत्री मांग को लेकर घंटाघर चौक से रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पर एडीएम जीएस डावर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल ने बताया कि काम की तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर से। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका पद से पृथक। महिला एवं बाल विकास विभाग की छतरपुर ग्रामीण और बड़ा मलहरा क्रमांक 1 परियोजना की आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता और सहायिका को तत्काल प्रभाव से पद से पृथक करने की कार्रवाई की गई है। छतरपुर ग्रामीण परियोजना के मलपुरा उप आंगनबाड़ी केंद्र की मिनी कार्यकर्ता संध्या तिवारी और बड़ा मलहरा क्रमांक 1 परियोजना के विक्रमपुरा की आंगनबाड़ी सहायिका रीता तिवारी को संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने और पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर पद से हटाया गया है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में गर्जी आशा कार्यकर्ता। आशा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के 3 महीने बाद भी इंसेंटिव दोगुना नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। उन्होंने वर्ष भर में 2 बार गणवेश देने सहित 3 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग की है। इस मौके पर प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्य कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कमला राणा के नेतृत्व में मुख्य बाजार से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों की सूचनाओं का आदान प्रदान भी ऑनलाइन होगा। बाल विकास परियोजना चित्तौड़ शहर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सूचनाओं का आदान प्रदान ऑनलाइन होगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सम्राट प्लाजा में प्रारंभ हुआ है जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों की जानकारी मोबाइल ऐप पर डालने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए विभाग ने कार्यकर्ताओं को एंड्रॉइड फोन दिए हैं। प्रशिक्षण में RCHO डॉक्टर सुनील एवं BCMO डॉक्टर हरीश उपाध्याय भी मौजूद थे। जिला समन्वय समता भटनागर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप में जानकारी अपलोड करने के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तरांचल के देहरादून से। आशा कार्यकर्ताओं ने PM व CM को भेजी पाती। आशा फैसिलिटेटर व आशा वर्कर ने 10 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र प्रेषित किया। उन्होंने मांग की है कि आशा फैसिलिटेटर का न्यूनतम वेतन 24,000 रुपए व आशा कार्यकर्ता का वेतन 18,000 रुपए किया जाए। साथ ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर व जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर का वेतन मान भी बढ़ाया जाए। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। महिला अफसर के खिलाफ बयान देने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जांच समिति ने कराया घंटों इंतजार। महिला एवं बाल विकास अधिकारी और CSP की पत्नी के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद विभाग द्वारा बनाई गई जांच समिति भी शायद किसी दबाव में नजर आ रही है। इसलिए गुरुवार को जब देवालपुर की कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बयान देने संयुक्त संचालक के कार्यालय पहुंची तो वहां जांच समिति के अधिकारी नहीं मिले। हालांकि जांच समिति के अधिकारियों का कहना है कि समय को लेकर असमंजस रहा, इसलिए हम जिला कार्यालय में थे, बाद में बयान के लिए आ गए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बयान तो हुए लेकिन उनके लिए उन्हें 3 घंटे से ज्यादा
ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा। जांच अधिकारियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिखित बयान दिए हैं। और दोस्तों अगली न्यूज आ रही है बिहार के नवादा से। 10 सूत्री मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध आशा कार्यकर्ता संघ की जिला इकाई ने गुरुवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। अध्यक्षता संघ की जिला अध्यक्ष राधा देवी ने की। संघ की प्रदेश महामंत्री इंदु झा ने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन व उसे सफल बनाने में आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। बावजूद सरकार आशा कार्यकर्ताओं के साथ वादा खिलाफी कर रही है। एक तरफ स्वास्थ्य कर्मियों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, वहीं आशा कर्मी मामूली प्रोत्साहन राशि पर काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 11 सितंबर को प्रधानमंत्री ने आशा कर्मियों का प्रोत्साहन राशि दोगुना करने का घोषणा किया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1,000 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र व राज्य सरकार श्रमिकों व किसान विरोधी है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में कर्मियों ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभी ने न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने के साथ ही अन्य मांगों को सरकार द्वारा पूरा नहीं किए जाने पर 4 फरवरी से आंदोलन का आरंभ करने की चेतावनी दी है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। अस्पताल से भगाने पर भड़की आशा कार्यकर्ता, तहसील में प्रदर्शन। सीएससी पर तैनात आरओ से आशाओं ने जब पिछला भुगतान करने को कहा तो आरओ ने उन्हें अस्पताल से भाग जाने की चेतावनी दी। इससे आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं ने तहसील पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम से शिकायत की है, साथ ही मांगों पर ध्यान देने की बात कही है। गुरुवार को सीएससी पर आशा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई जिसमें उपस्थित अधिकारियों से क्षेत्र की आशाओं ने अपने पूर्व के भुगतान की मांग की है। आरोप है कि आरओ के रूप में कार्यरत कर्मचारी ने आशाओं को पहले शिकायत करने पर भला बुरा कहा, इसके बाद सभी को निकलवाने की धमकी दे डाली। इसके बाद आरओ ने आशाओं को सीएससी से भाग जाने को भी कहा। इस व्यवहार से नाराज आशाएं तहसील पहुंच गई। यहां प्रदर्शन करते हुए एसडीएम अशोक प्रताप से आरओ की शिकायत की। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है राजस्थान के बांसवाड़ा से। कलेक्ट्रेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना आंगनबाड़ी और स्कूल में व्यवस्था जांची। जिला कलेक्ट्रेट आशीष गुप्ता ने गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जानकारी ली। जानावारी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कौशल्या सोमानी से केंद्र पर चलने वाली गतिविधियों के बारे में बातचीत की गई। कार्यकर्ता ने केंद्र से संबंधित बच्चों का वजन, ग्रोथ चार्ट, टीकाकरण, जन्म मृत्यु रजिस्टर, सर्वे रजिस्टर, माहवार जन्मे बच्चों की सूची, डाटा शीट, गर्भवती धात्री महिला से घर का संबंध की सूचना और पोषाहार से जुड़ी जानकारी दी। आंगनबाड़ी केंद्र की अच्छी व्यवस्थाओं को देखकर कलेक्ट्रेट को पेयजल समस्या से अवगत कराने पर शीघ्र इसकी व्यवस्था करवाने की बात कही गई है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के झबुआ से। अभी करो, अर्जेंट करो, परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। आग नहीं चिंगारियां भारत की नारी है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जैसे नारों के साथ आशावाद सहयोगी कार्यकर्ताओं ने कृषि उपज मंडी से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। रैली के बाद कलेक्ट्रेट में धरना देकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम केसी परते को ज्ञापन सौंपा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। 4 से धरना देंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में मांगों को लेकर 4 फरवरी से धरना देने का प्लान किया गया है। जिला अध्यक्ष प्रभावती देवी ने कहा कि सदन में घोषणा करने के बाद भी अभी तक मानदेय बढ़ोतरी का शासनादेश जारी नहीं किया गया है। यह सरकार की घोर लापरवाही है जिसका सभी आंगनबाड़ी व सहायिका निंदा कर रही है। वाजिब हक के जिला मुख्यालय पर 4 व 5 एवं लखनऊ में 7 एवं 11 फरवरी को क्रमिक अनशन किया जाएगा। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। मानदेय के लिए आशाओं ने किया प्रदर्शन। मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर गुरुवार को जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और दोस्तों अगली न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर से। निर्देश, चयनित आवेदिकाओं के खिलाफ दावे आपत्ति 10 दिवस में कर सकते हैं प्रस्तुत। जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा टीकमगढ़ ने बताया है कि मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के चयन के लिए जारी निर्देशों के परिपालन में 17 जनवरी 2019 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में आयोजित जिला दावे आपत्तियां निराकरण समिति की बैठक में खंड स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से चयनित आवेदिकाओं के खिलाफ प्राप्त दावे आपत्तियों के निर्णय बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय एवं संबंधित परियोजना कार्यालय में सूची अवलोकन के लिए उपलब्ध है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास से बताया गया कि चयन के खिलाफ यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो कलेक्ट्रेट न्यायालय में आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिन के अंदर अपील किए जाने का प्रावधान है। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। आशा कार्यकर्ताओं की मांगों का हो निराकरण। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संगठन ने न्यूनतम वेतन 18 रुपए दिए जाने सहित विभिन्न मांगों लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कहा कि वे मांगों के
के निराकरण को लेकर लंबे समय से गुहार लगा रही हैं, लेकिन मांगों पर अमल न होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में संगठन का कहना है कि आशा फैसिलिटेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आदि को लेकर पूर्व में संबंधित विभाग से पत्राचार किया गया था। उन्होंने आशा कार्यकर्ता व फैसिलिटेटर को ईपीएफ और ईएसआई के दायरे में लाने, पेंशन, दुर्घटना या मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की धनराशि मुहैया कराने, सेवानिवृत्त लाभ के रूप में 1 मुश्त 5 लाख का भुगतान करने समेत आदि मांगों के निराकरण की मांग की है। और दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मी, समान कार्य समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को जिले के एनएचएम स्टाफ के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते राजकीय कार्य बाधित हो रहा है। आंदोलित कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। सीएमओ ने संविदा कर्मियों का मांग पत्र महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को भेज दिया है। मांग पत्र के जरिए बताया गया है कि संविदा कर्मियों का स्थायी समायोजन एवं नवीन पद सृजन किया जाए, आशा बहुओं को कर्मचारियों का दर्जा प्रदान कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह निश्चित मानदेय प्रदान किया जाए, संविदा कर्मियों के लिए मृतक आश्रितों के आधार पर उनके परिवार के किसी सदस्य को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप रखने का प्रावधान किया जाए। और दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, उत्तराखंड के चमोली से कड़ाके की ठंड के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में गर्जी आशा कार्यकर्ता संगठन से जुड़ी जिले की सभी आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी घोषित करने और मानदेय वृद्धि की मांग उठाई है। कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंची और प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को न्यूज के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए, ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।